हेलो दोस्तों, क्या हालचाल दोस्तों। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको दिखा, हम दोस्तों का ग्रुप अब 1000 से ज़्यादा का हो चुका है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया हमेशा, और ऐसे आगे करते रहना और हम ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई है मेरे दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं, और अगेन थैंक यू सो मच, सॉरी। एक एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और इसको आज हम खोलेंगे और चेक करेंगे, और जिस चीज़ के लिए मैं इसे लेकर आया हूँ यूज़ करके देखेंगे बात बनती है कि नहीं। दोस्तों भला हो एक बंदे का जिसका मैंने ब्लॉग पढ़ा इंटरनेट पर, जिसने बताया कि हम किसी भी अपनी साउंड बार के साथ सराउंड कैसे ऐड करें। उसी के ज़रिए मुझे इस डिवाइस का पता चला। उस भाई साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से इतना लंबा डिस्क्रिप्शन सा देकर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। मुझे तो उसका नाम और लिंक वगैरह याद नहीं, तो उसको भाई साहब मेरी तरफ से नमस्ते। दोस्तों ऊपर जो MRP है ये 1999 लिखा हुआ है, लेकिन ये मिला था 775 रुपये में amazon.in से। और इसे ख़रीदने से पहले मैंने इसे बहुत ट्राई किया था कि कहाँ से सस्ता मिले। बैंगूड से भी मैंने इसे ट्राई करने की सोची, वहाँ पर थोड़ा मतलब थोड़ा महंगा ही है और टाइम भी ज़्यादा लगता। फिर अली एक्सप्रेस, अली बाबा, और यहाँ तक कि amazon.com, फ्लिपकार्ट, सब पे ट्राई किया, और फिर कैसे ना कैसे तुक्के से ये मुझे अमेज़ोन अपनी इंडिया वाली साइट पर ही मिल गया, और प्राइस भी ठीक था और जल्दी ही मिल गया, 4-5 दिनों के अंदर अंदर सब। और अच्छी बात है कि साथ में ये 5V 2A का अडेप्टर भी आता है, क्योंकि कई मैंने से ये देखे थे ADC कन्वर्टर जिसके साथ अडेप्टर ही नहीं देते वो भाई साहब, और उनका रेट भी किसी का 1000, 1200, 1300 तो अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पर भी है। और जिस सेलर से मैंने लिया है, पता नहीं, इनकी बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने प्राइस अपना ठीक रखा हुआ है। और जो ये मेन डिवाइस है इसकी बॉडी मेटल की है, पहले मुझे लगा प्लास्टिक की होगी, लेकिन अच्छी बात है ये मेटल की है। और ये जैसे कि जब ये लगती है तो थोड़ा, जब ये यूज़ होती है थोड़ी गर्म भी हो जाती है, यानी हीट सिंक का भी काम करती है। और ये है मैनुअल जो इस डिवाइस के साथ मिला था। वैसे तो ऑनलाइन ही मैंने इसके बारे में सारी जानकारी उनके डिस्क्रिप्शन में जाके ले ली थी, फिर भी ये एक अच्छा आया कि जिन्हें ना पता हो थोड़ा सा ही है तो पढ़ लेना इसे। एक 3.5 mm RCA केबल लगाइए टीवी के पीछे, यानी कि ईयरफोन मोड पर, और ये दूसरा सिरा मैं लगाऊंगा इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के इस इनपुट पर। तो ये मैंने इनपुट दे दी है यहाँ से। अब मुझे इसे जो साथ में अडेप्टर मिला 5V का, उससे पावर देनी होगी, तो एक बार पावर भी दे लेते हैं। तो पावर देते ही ये लाइट ब्लिंक होगी, और ये टॉस लिंक वाली लाइट भी जग रही है, यानी कि इसे ऑप्टिकल से भी इनपुट दे सकते हैं, और शायद साइमल्टेनियसली ये दोनों में आउटपुट हो, पता नहीं, लेकिन एक जगह पर लिखा हुआ था कि दोनों में एक साथ आउटपुट देगा, पता नहीं, वैसे मुझे इसका यूज़ भी नहीं। तो जो साथ में अडेप्टर मिला उसकी एकदम चीप सी क्वालिटी है, तो एकदम पता नहीं कब ख़राब हो जाए, पता नहीं, चलो, लेकिन अच्छी बात है मिला तो उसी साथ में। चलो अब फाइनली इसे ऑप्टिकल देख के देखते हैं। तो ये मिल गई मुझे ऑप्टिकल केबल, जो कि इस LG की साउंड बार के साथ आई थी, आज इसका यूज़ होगा। इसको लगाते हैं, एक सिरा LG में और दूसरा ADC में। दोस्तों ऑप्टिकल का जो ये डिजिटल ऑप्टिकल की केबल होती है, इसका ये पंगा होता है कि इसमें धूल वगैरह नहीं जानी चाहिए, एकदम साथ में, इसलिए इसके ये प्रोटेक्शन वाले ये कप से भी आते हैं, और इस तार को कहीं बैंड नहीं होना चाहिए, अगर बैंड हो गया तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे ये देखो, इसे पकड़ के आपको अलग ही फीलिंग आएगी कि भाई ये अगर मुड़गी तो ख़राब हो जाएगी, और ये सारी ही ऐसे होती हैं, ये नहीं कि इसी के साथ ही ऐसा है। वैसे ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की केबल है, और ये हमेशा पतली ही मिलती है, एकदम पतली, ऐसे नहीं कि मोटी मिल जाएगी अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो। तो ये LG के साथ मिली थी SL6Y साउंड बार के साथ, और ये जो ADC मैंने अडेप्टर लिया है, एक चीज़ के लिए लिया है कि मैं इसको किसी और सिस्टम के साथ
या किसी भी अन्य सिस्टम के साथ दोनों को एक साथ चला पाऊँ, तो इसकी एक क्लैरिटी और उनकी बेस वगैरह मिल के और अच्छा इमर्सिव कुछ एक्सपीरियंस मिले। अब देखते हैं क्या होता है, चीज़ काम आ जाए तो बहुत बढ़िया होगी। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद ये मैंने ऑप्टिकल केबल तो लगा दी है और अब मैंने रिमोट निकाल लिया है। फ़ोन ब्लूटूथ नहीं भैया, हमें चाहिए HDMI ऑप्टिकल स्लैश HDMI वाला हम यूज़ करेंगे। और रिमोट की पन्नियाँ मैंने एक साल के बाद भी नहीं हटाई हैं, पक्का मिडिल क्लास लोग हैं हम। दोस्तों मैंने ये लगा दी सारी तारें जो भी है सब कुछ, और साउंड बार भी ऑन है, इसका मोड भी ठीक है, सॉन्ग भी चलाया, वॉल्यूम भी करी हुई है, काफ़ी तेज़, और आवाज़ एकदम नहीं आ रही। और इससे पहले कि मैं ये सब कुछ उठा के फेंकता कूड़ेदान में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कभी कभी, मैंने एक छोटी सी चीज़ ट्राई मारी, अभी दिखाता हूँ। HDMI आर्क, ये मेरे पीछे कोई गंदा सेटअप है, HDMI आर्क निकाल रहा हूँ मैं, कहाँ गई ये रही। और पहले मुझे लगा ये टीवी स्पीकर्स की आवाज़ है, फिर देखा तो साउंड बार की है। और एक चीज़ तो मैं अभी बता रहा हूँ कि रुको एक मिनट, चुप हो जा चुप हो जा, हाँ कि HDMI आर्क से आवाज़ हमें बहुत तेज़ मिलती है, और इस जुगाड़ से अगर हम चलाएंगे तो बहुत कम मिलेगी आवाज़। लेकिन चलो काम तो किया, बाद में जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल ये चीज़ काम कर रही है। और अब मैं देखता हूँ दो सिस्टम एक साथ चलते हैं या नहीं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो अभी एक प्रॉब्लम आई थी, जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि आवाज़ बहुत काफ़ी कम आ रही है, उसका भी सलूशन अभी ही मिल गया। वो ये है कि अभी अभी तक मैं इसे HDMI आर्क से यूज़ कर रहा था, जिससे कि एक ही टीवी के रिमोट से ही, यानी ये वाले ठुले से रिमोट से ही, मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ मतलब चलती थी, मतलब एक ही वॉल्यूम थी जो कि मास्टर वॉल्यूम टीवी की होती है, उसी से ये दोनों एकदम आपस में सिंक थे। लेकिन अब देखो ये टीवी की अलग है, ये जो मैंने अभी काफ़ी 30 तक कर दी, और ये नीचे वाले साउंड बार की अलग है, जबकि पहले मैंने आपको दिखाया होगा दोनों एक ही थी। तो अब मैंने यहाँ से वो 3 4 पैर करी हुई थी ये वाली आवाज़ पहले, तो इसलिए एकदम ख़राब सी आ रही थी, अब ठीक आ रही है। प्ले करते हैं, तो अब मेरे पास दो वॉल्यूम्स हैं, एक इसकी अलग चलेगी और इसकी अलग, तो वो मैं आपस में मैं देख लूँगा अगर ये चलते हैं एक साथ तो, कि कैसे करके मैं करता हूँ जुगाड़। और एक और बात, अभी सिर्फ साउंड बार की आवाज़ आ रही है, मैंने इसका सबवूफर नहीं लगाया, वो मैंने उतार के रखा हुआ है फिलहाल, ये अभी तो जस्ट चेक कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि भाई बेस क्यों नहीं आ रही। दोस्तों भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर घमंड ही नहीं किया। ये RCA केबल अभी मेरे काम आएगी, और ये दो RCA स्प्लिटर, और ये पड़ोस में जो शादी वाले गाने चल रहे हैं ना, ये मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक। दोस्तों जैसे कि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो ये स्प्लिटर वगैरह लगा के मैंने अभी यूज़ किया है, दो सिस्टम चला के, ये चीज़ अभी तक काम तो कर गई है। और एक जो प्रॉब्लम जो मुझे पहले से पता थी, वो भी हो रही है कि इन दोनों में, जैसे कि ये दोनों चल रहे हैं, कहाँ गए, हाँ जैसे कि ये दूसरा सिस्टम का है, ये LG के साउंड बार, तो हल्का सा आवाज़ आगे पीछे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो मैंने एक बार पहले से ही ट्राई के लिए दोनों चीज़ें एक साथ चलाने के लिए ब्लूटूथ वो ट्रांसमिशन वाला जो रास्ता बनाया था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो रहा था आवाज़, इसमें फिर भी कम है, सुनो कितनी आ रही है। मद्देनजर वाणिज्य के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा सेवा को फिर से शुरू करने के निर्णय और आने वाले यात्रियों, खासकर जोखिम श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले लोगों की जांच और निगरानी करने के संबंध मानक संचार प्रक्रिया की समीक्षा करने का आवश्यक बैठक में इस बारे में सुनो। निर्णय लिए गए। दोस्तों आवाज में एक जो हल्की सी सराउंड लग रही है ना, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब इसे दूर करने के लिए मैं इस LG की जो साउंड बार की जो एप्लीकेशन है ना, उसमें है ऑडियो आगे पीछे करके सिंक करने का थोड़ा सा ऑप्शन, तो मैं उसका यूज़ से कुछ कर सकता हूँ।
उस सीमेंट से ठीक कर दूंगा। वैसे इस प्रॉब्लम का मुझे पहले पता था, कोई खास इसमें अब मुझे दिक्कत नहीं है, पहले से ही मैं तैयार था इस प्रॉब्लम के बारे में कि आवाज़ थोड़ी सी डिले होगी आपस में, मतलब थोड़ी सी आगे पीछे, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई तो मैं मैनेज कर सकता हूँ फिलहाल। और एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम है कि ये जो सुपर साइलेंट थी साउंड बार, अब इसमें हल्की सी हिसिंग नॉइस वगैरह सी आ रही है, सुनो। ये सारा वैसे इस जुगाड़ की वजह से हो रहा है या कुछ भी, मतलब इंटरफेरेंस कोई ना कुछ हो रही है, लेकिन ये भी काफ़ी कम है, ये भी मतलब कि बहुत ही कम है, काम चल जाएगा। और ये जो पायनियर के जो सिस्टम 2.1, और नीचे मैं दिखाऊंगा नहीं, काफ़ी गंदगी सी मैंने कर रखी है, क्योंकि ये सारा मेरा एरिया जहाँ पर मैं पूरा दिन घुसा रहता हूँ, 2 वीक्स वगैरह करता रहता हूँ, तो एलजी का, एलजी नहीं, लॉजिटेक वाला सब वूफर है, पैसिवली मैं से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं एलजी की जो ऐप है उसका यूज़ करता हूँ, फिर देखता हूँ बात कितनी हद तक सॉल्व होती है। दोस्तों एक थोड़ी सी और डिसअपॉइंटमेंट वो ये कि अब फिलहाल मैंने इसे म्यूट किया हुआ है और सिर्फ एक ही सिस्टम चलाया हुआ है मेरा, ये 2.1, और इसके अंदर भी एक हल्की सी सराउंड अपने आप ही ऐड हो गई है जो कि नहीं चाहिए होती, ख़राब होती है इस डिकोडर की वजह से। तो वो जो पहले सराउंड आ रही थी वो तो है ही है, मतलब 2 से मुझे लगा आ रही है, लेकिन एक से भी आ रही है। थोड़ा सा देखो आवाज़ को सुनो, 1 मिनट। बोर्ड या डीटीएस कन्वर्टर कुछ भी आप एप्लीकेशन सर्च करोगे आपके सामने एक दो किस्म के बोर्ड आएंगे। वैसे आपको पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि इस रूम में मैं सुनता रहता हूँ, तो एक हल्की सराउंड सिंपल एक सिस्टम में भी ऐड हो चुकी है, लेकिन चलो अब दूसरा ऑन करते हैं, अनम्यूट करता हूँ इसे मैं, ठीक है अब सुनो। एक और खाली है बिना कैबिनेट के आने वाला, और एक होगा कैबिनेट के अंदर आने वाला जिसके ऊपर लिखा होगा HD और देखा, और सराउंड साउंड एक्स्ट्रा ऐड होगी जो कि नहीं चाहिए होती, कि एकदम अजीब सा रिवर्ब लग रहा है, एकदम एक आवाज़ नहीं लग रही। और अब जो जिसके ऊपर मैं बड़ा चौड़ा हो रहा था, जिस फीचर के ऊपर, वो आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया ये LG का ये ऐप, देखो आपको LG का ऐप दिखाता हूँ, ये ऐसे करके खुलता है, यहाँ जाना है साउंड सेटिंग, और ये AV सिंक, ठीक है, लेकिन ये कांच के स्लाइडर बीच में होता है, ये सबसे इधर है, तो मुझे और इधर जाके कुछ बात बन सकती थी, लेकिन ये देखो क्या हो रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। भी और रेस्ट कर दिया ठीक है। पूरी हर जगह सेम ही है, नाम आगे पीछे अलग लोग रख लेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला लिखा हुआ मिटा देता नहीं है HD अब और देखो RS ये हर जगह दोनों मिल सिस्टम चल जाएगा। रहे हैं, और 1,800 रुपये में बैंगलोर की वेबसाइट से मैंने लिया था लगभग 1 साल पहले, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे आवाज़ वाले इसका रिजल्ट किया ही नहीं, मैंने ऐसे मतलब साइड पर रखा हुआ था कि भैया ऐसे ऐसे तो दोस्तों हर जगह वो HD और RS तो एक और इंडिया के नाम की आ रही थी कि मतलब कि बस यही ले लो यही है, इनके अलावा कुछ है नहीं ठीक है। तो ये अभी काफी कम चीजों का रिव्यू रखता हूँ, कुछ बताना होता है या तो किसी को। तो दोस्तों आपको पता चला प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अगर ये स्लाइडर यहाँ नहीं होता, यहाँ पर होता, मुझे इस साइड चाहिए था, इससे मैं दोनों की ऑडियो सिंक कर सकता था, लेकिन ये तो बस मैं ज़्यादा ही कर सकता हूँ अलग। और आपको पता है कैसे वो माइक वाला इफेक्ट आ रहा है अजीब सा, जो कि वो स्टेज पे जो बोलते हैं वो इको वाला जुगाड़, वो नहीं चाहिए, 0 पर सेट था। जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूँ आवाज़ और ख़राब होती जा रही है, लेकिन अब या तो मैं ऐसे ही आवाज़ से काम चलाऊं, या फिर बस एक चीज़ कर सकता हूं कि जो ये RCA मैंने स्प्लिटर यूज़ किया, इसकी जगह में वो दूसरा जो मैंने चोको का लिया था, जो ऐसे चक्री से आती है, वो लगा के देखूं। वैसे इनसे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इनका तो काम यही है कि दो जगह पर आउटपुट देना, जो कि वो भी देगा, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार टेस्ट करके देख लूँगा, क्या पता बात बन जाए। फ़िलहाल तो ठीक है, मैं अभी इसे रिटर्न थोड़े कराऊंगा, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो कि जो चीज़ मेरे काम नहीं आ रही तो वो चीज़ ख़राब है रिटर्न करा दो। भाई देखो दोस्तों, अगर आप कुछ चीज़ आपके काम नहीं आ रही है ना, लेकिन वो वर्किंग है, तो उसे रिटर्न मत कराओ। लोग जो डिलीवरी करते हैं, जिस सेलर ने इसे बेचा है, अमेजोन वगैरह, कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और ये अच्छा नहीं है कि अगर ये चीज़ ख़राब होती, डैमेज होती, तभी इसे मैं रिप्लेस करवाता या पैसे वापस लेता उनसे, लेकिन ये चीज़ अब मेरे उस टाइप का मेरे काम नहीं आ रही जो कि मैंने सोचा था, या हल्का सा मतलब
डिसअपॉइंट कर रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे बैक करा दूंगा। नहीं, ये चीज़ चल रही है तो ठीक है, आपकी भी हमारी भी थोड़ी मॉरल ड्यूटी है कि हम थोड़ा ठीक रहें। अमेज़ोन वाले तो मुझे रिटर्न रिप्लेस या पैसे भी दे देंगे, लेकिन नहीं, ये हमारे अंदर से एक आवाज़ आनी चाहिए कि जो इतने लोगों को हमें तंग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों इस चीज़ का ख्याल आप रखना कि ऐसे नहीं है कि कोई भी ऑडियो यहाँ से डाली और यहाँ से आउटपुट ले ली, और फिर ऑडियो यहाँ से डाली और यहाँ से आउटपुट ले ली। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। ये है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ से ऑडियो डालेंगे एनालॉग के रूप में, जो कि RC ऑक्स वगैरह होती है, तो ये डिजिटल इसे ऑप्टिकल में निकालेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हम यहाँ से ऑडियो डालेंगे और यहाँ से RCA में ले लेंगे। उसके लिए एक अलग कन्वर्टर आता है जो कि होता है डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, इससे एकदम उल्टा। और एक और अच्छी बात है, अगर आपको उसका यूज़ है तो वो हमेशा इससे हाफ प्राइस में मिलता है, सस्ता। एनालॉग टू डिजिटल महंगा है और डिजिटल टू एनालॉग सस्ता है, तो ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, इससे उल्टी, ठीक है। वो ऑप्टिकल लेगा और एनालॉग यानी RCA वगैरह देगा, और ये RCA लेता है इनपुट में और ऑप्टिकल देता है। थोड़ी सी और इसकी टेस्टिंग करता हूँ, बात बनती है तो सही, नहीं तो ये रिव्यू अभी तक के लिए ठीक है, यहीं पर बंद। ये डिवाइस ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं है, और जो भी काम चल रहा है ठीक है, मैं कुछ इन्जॉय करता हूँ, देखता हूँ क्या क्या और हो सकता है, नहीं तो फिर भी ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जिसे कि कहते हैं ADC, और इसे उल्टा जिसे हम कहते हैं DAC, वो था डिजिटल टू एनालॉग। तो इसका ये था रिव्यू, और कोशिश करिए मैंने इस बार अपनी गंदी शक्ल ना दिखाने की। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, गंदी शक्ल ये देख के। ओ नो।